हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ठंडाई कुल्फी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और जल्दी बन जाती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी कुल्फी हम घर पर बना सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी घर के मसाले से ही। आप मसाले की जो लिंक है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और इसकी वीडियो टीना किचन में देख सकते हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल में। आइए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। आज मैं ठंडाई कुल्फी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पैकेट का दूध लिया है, काओ का लिया है मैंने दूध यहाँ विदाउट क्रीम। इसे मैंने बॉईल कर लिया है, 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध को हम इसे रिड्यूस करेंगे हाफ होने तक। यहाँ मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है। दूध को बॉईल करने के बाद हम इसमें डालेंगे, दूध में डालेंगे हम ठंडाई का पाउडर। ठंडाई का पाउडर की रेसिपी आप मेरे चैनल टीना किचन में देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 1 लीटर दूध में 6 कप दूध होता है, तो हम हर 1 कप के हिसाब से इसमें ठंडाई का पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ 6 चम्मच ठंडाई का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इलायची, सब फ्लेवर हैं। इसे हम अच्छे से पका लेंगे। दूध को आधा होने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, ठंडाई के पाउडर से बिल्कुल मटके जैसी कुल्फी जो आती है, सेम वैसी कुल्फी का कलर भी आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। आप जितना मीठा चेक करके डाल सकते हैं इसे। इसे हम दोबारा से बॉईल कर लेंगे, चीनी को अच्छे से मिक्स करके। चीनी डालने के बाद हमें लगातार मिलाना है, ताकि एक तरफ से जमी नहीं और अच्छे से घुल जाए। इस तरह से हम मिलाते रहेंगे। इसमें 5-6 उबाल आने देंगे। दूध आप देख सकते हैं आधा हो गया है पकते पकते। ये देखिए, ये देखिए, चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें 5-6 उबाल भी आ गए हैं इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नीचे उतार लेंगे। झटपट बनने वाली आइसक्रीम है। एक ही इंग्रेडिएंट से आप बिल्कुल मटके कुल्फी जैसी ड्राई फ्रूट से भरपूर आइसक्रीम बना सकते हैं। दूध हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। मेरे पास यहाँ है एल्यूमिनियम के कोन कुल्फी के लिए। इसमें झटपट जम जाती है, एल्युमिनियम में बहुत जल्दी से जम जाती है आइसक्रीम। मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ। आप किसी चीज़ में भी जमा सकते हैं, आप किसी बर्तन में, कटोरे में, किसी में भी आप जमा के खा सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसमें डाल के जमा रही हूँ। इसको लीड से कवर कर देंगे। ये देखिए, मेरे पास यहाँ खड़ा करने के लिए स्टैंड है इसके साथ। इसमें इस तरह से खड़ा कर देंगे। सभी को मैं फिल कर लेती हूँ। सभी को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। इतना दूध बच गया है, इसे मैं किसी बॉल में डाल के जमाने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए। ये देखिए, हमारी आइसक्रीम जम गई है अच्छे से, कोन देख सकते हैं। इसे हम एक साफ कपड़ा लेंगे, इसे हम अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे, ताकि हमारी कुल्फी अच्छे से बाहर निकल जाए।
ये देखिए कितनी अच्छे से जम गई है। इसे थोड़ा इस तरह से हम मसल लेंगे, देखो तो ये कुल्फी हमारी अच्छे से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए कितनी यम्मी यम्मी मसालेदार कुल्फी बनकर रेडी है हमारी। इस तरह से हम सभी कुल्फी को बाहर निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।